एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफवाईपी सेमेस्टर 4 22-26 सेशन का आप सभी बच्चों को फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस, पेमेंट से लेकर प्रिंट आउट, सब्जेक्ट सिलेक्शन, ये सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एक एक स्टेप लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद अगर आप सभी बच्चों को आपका सारा का सारा डाउट जो रहेगा फॉर्म फिलअप से रिलेटेड वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और फॉर्म फिलअप में देखिए कुछ बातें हैं जो आपके लिए जरूरी है, अगर आप ये सब नहीं सुनिएगा तो ऑब्वियसली आप सभी बच्चों का जो फॉर्म फिलअप में गलती होता है वह आप लोग गलती करिएगा और फिर आप सभी बच्चों को यूनिवर्सिटी दौड़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है पूरा वीडियो लास्ट तक सुनिएगा तो आप ही के लिए बेनिफिशियल है। बाकी आप सभी बच्चे जैसा लगता है आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले इस नोटिफिकेशन से बात करते हैं क्योंकि इसी में देखिए आपका गलती होने का चांसेस है, इसलिए एक बार लास्ट बार सुन लीजिएगा। हमने कल ही देखिए सब्जेक्ट सिलेक्शन पे वीडियो किया हुआ है कि आप लोग को क्या रखना है, तो आप लोग उसी हिसाब से वो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ ओवरऑल मतलब ऊपर वो समझा दे रहा हूँ लेकिन उसको वीडियो वो भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सेमेस्टर फोर में आपको माइनर टू भी या माइनर वन भी पढ़ना है, जहाँ पर याद रखिएगा सेमेस्टर वन का रिपीट होता है सेमेस्टर थर्ड में, सेमेस्टर टू का रिपीट होता है सेमेस्टर फोर में। तो अगर आपने टू वाला जो भी रखा होगा सेमेस्टर, ठीक है, सेमेस्टर टू में अगर आपने जो भी पेपर रखा था, अगर वही वाला पेपर आपको क्या करना है सेमेस्टर फोर में रिपीट करना है, लेकिन सिलेबस क्या पढ़िएगा उसका, वन भी पढ़िएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बस यहीं पर खेला है आपको सेमेस्टर। और याद रखिएगा जो आपका डिसिप्लिन मतलब जो आपका माइनर पेपर होगा वो आपके डिसिप्लिन से होना चाहिए, मतलब आप जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, साइंस वाला साइंस से, आर्ट्स वाला आर्ट्स से, कॉमर्स वाला कॉमर्स से, उसी डिसिप्लिन से बेसिकली वो अपना पेपर उठाएगा, ठीक है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी हमने कल जो वीडियो किया वो जरूर देखिएगा। एसी सेमेस्टर थर्ड में जो था सेमेस्टर फोर वही रहने वाला आप सभी बच्चों का। सिलेबस पर सबका याद रखिएगा अलग अलग है। वैल्यू एडिट कोर्स में आप सभी बच्चों को इन्वायरमेंटल स्टडी सेमेस्टर फोर में पढ़ना है, जो कि पूरा पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला, 50 क्वेश्चन होने वाला है। देखिए बता दिया गया सेमेस्टर फोर का 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का होने वाला, एक क्वेश्चन एक मार्क्स होने वाला, 2 घंटा पेपर मिलेगा। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है bbmq.unu.in फॉर्म फिलअप वाला वो ओपन हो जाएगा आपके लिए। इस प्रकार से आपको आएगा यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर, कुछ पेमेंट्स रिलेटेड इशू है। याद रखिएगा अगर आपसे बच्चों को पेमेंट कट जाता है और वहाँ शो नहीं करता, पेंडिंग शो करता है, तो 48 घंटे वेट कर लीजिएगा। 48 घंटे में बैंक जो रहता है, अगर पेमेंट यूनिवर्सिटी के पास नहीं पहुँचा तो बैंक अकाउंट में आपका जो पैसा रहेगा वो अपने रिटर्न हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिएगा अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करने का, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, जो भी पेमेंट करिएगा अपने कार्ड से करिएगा, जिससे कभी भी पेमेंट जो आता है वो रिटर्न आता है, साइबर कैफे वाला वो पेमेंट रिटर्न नहीं करता आपका, तो इन चीज से बच कर रहिएगा, ठीक है, वरना वो पैसा भी आपको चला जाएगा। और यहाँ पर अगर फॉर्म फिलअप रिलेटेड कोई दिक्कत आता है, फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर दिया हुआ ये नंबर आप इस पर कॉल कर सकते हैं जिससे आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ यूजर नेम और यहाँ पासवर्ड आपसे बच्चों डालना है, यहाँ यूजर नेम और यहाँ पासवर्ड डालना है। अगर आपका पासवर्ड भुला गया है या आपको उसको याद नहीं है भाई, तो यहाँ फॉरवर्ड पासवर्ड कर लीजिएगा, अपना फोन नंबर डालिएगा, आपका ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन होगा, आप खोल सकते हैं नया पासवर्ड। और जिनका भी अगर नया अकाउंट बनाना है तो भाई यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट कर लीजिएगा, नया अकाउंट बन जाएगा आपका। तो यहाँ यूजर नेम और आपका जो भी पासवर्ड था वो यहाँ डाल दीजिएगा। जो भी बच्चे न्यू यूजर बनाइएगा, सॉरी न्यू यूजर हो, यहाँ आईडी डालने के बाद आप सभी बच्चों को यहाँ पर आपका नाम शो करेगा, जिससे मेरा नाम सौरभ चक्रवर्ती है, तो आपको यहाँ शो करेगा। यहाँ एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिशन फॉर्म और एडमिट कार्ड और रिजल्ट। तो आप सभी बच्चों को यहाँ पर एग्जामिशन फॉर्म पर क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप सभी बच्चों को यहाँ पर ऑप्शन पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जामिशन फॉर्म में। यहाँ FYUP सेमेस्टर 4 का आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा इस येलो कलर के बॉक्स में, तो आपको यहाँ टिक करना है। टिक करने के बाद आप सभी बच्चों से पूछा जाएगा कि आपका कोर्स क्या है, सेमेस्टर क्या है, स्टूडेंट टाइप क्या है, रोल नंबर क्या है। तो आप यहाँ कोर्स टाइप में FYUP डालिएगा, सेमेस्टर में यहाँ पर 4 डालिएगा, स्टूडेंट टाइप रेगुलर डालिएगा और आपका जो भी रोल नंबर वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पर बस आपको क्या करना है, सर्च करना है। जब आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को इस प्रकार, अच्छा माफ करिएगा, ये इस प्रकार आपको भर लेना है, ठीक है, यहाँ पर इसको भर लीजिएगा अपने हिसाब से। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी डालना है डाल दीजिएगा, आपका जो भी आईडी है। उसके बाद आप सभी बच्चों को अपना राइट हैंड साइड में अपना फोटो सिग्नेचर ये अब दिखने मिलेगा आपको। और आपको एक एक चीज़ देखिए सही से भरना है। यहाँ पर आपका जो नाम रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, यहाँ जो नाम है वो आपको हिंदी में भरना है। तो हिंदी में आप क्या करिएगा, जो गूगल ट्रांसलेशन है या गूगल ट्रांसलेट जिसे कहा जाता है, या गूगल में आप जगह सर्च कर सकते हैं कि इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसफर करें, मैं सब में चेंज करें, तो सौरभ चक्रवर्ती का जैसे मैंने यहाँ हिंदी में लिखना रहेगा तो मैं ऐसे ट्रांसलेट कर यहाँ लिख दूंगा। यहाँ आपके माता जी का नाम,
पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट कैटेगरी आपका क्या है, सब कुछ मिला हुआ मिल जाएगा आपको। फिर आपको अपना ईमेल, फोन नंबर, आधार नंबर, देखिए सारे के सारे चीज़ों को एक बार मिला लीजिएगा। ये नहीं कि भाई भरा हुआ है तो छोड़ दीजिएगा यूनिवर्सिटी भरोसे, तो भाई आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, आपको सारा का सारा डिटेल्स अपने हिसाब से मिलाना। ये नहीं कि यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिएगा तो यूनिवर्सिटी फिर गलती रहेगा तो आपको यूनिवर्सिटी क्या जाएगा। फिर आपसे ही बच्चों को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे। यहाँ पर आपसे बच्चों को डेट ऑफ एडमिशन, अगर आपका कॉलेज में सेमेस्टर 4 में एडमिशन हुआ है तो सेमेस्टर 4 वाला डालिएगा, और अगर सेमेस्टर 3 में हुआ है, सेमेस्टर 4 में नहीं हुआ है तो सेमेस्टर 3 वाला डाल दीजिएगा, मतलब एक प्रीवियस सेमेस्टर डालिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर सेशन यहाँ 22-26 भर दीजिएगा। आपके क्लास का देखिए जो भी रोल नंबर था आपको यहाँ डालना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ईयर डालना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है वो डालिएगा। ये सब गलती मत करिएगा, तो छोटा छोटा बेसिक बेसिक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे ही बच्चों को अपना जो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है तो यहाँ एड्रेस डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, अगर ये कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों के दोनों अगर सेम है तो आप यहाँ टिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक भर जाएगा। वरना अगर दोनों अलग है तो आप अलग अलग भर सकते हैं, या वर्तमान में यहाँ से भर रहे हैं, वहाँ से भर रहे हैं, जो भी आपके रहेगा। फिर आपसे ही बच्चों को यहाँ पर, फिर आपसे ही बच्चों को अपना कॉलेज का नाम, फिर जो स्ट्रीम रहेगा वो भरना है। अब यहाँ से देखिए सुनते चलिएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ आपका इस बार 3 मेजर पेपर होने वाले हैं, मेजर पेपर 5, मेजर पेपर 6 और मेजर पेपर 7, माइनर पेपर, AAC पेपर, VAC पेपर। VAC में आपसे बच्चों को इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसे शॉर्ट में हम लोग EVS भी कहते हैं, तो अगर ये मिल जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सेमेस्टर 3 में आपका जो भी AAC पेपर था, सेमेस्टर 4 में वही रिपीट होगा। ठीक है, तो अगर आपने हिंदी रखा था तो सेमेस्टर 4 में भी आपसे बच्चों हिंदी पढ़ना है, सेमेस्टर 3 में अगर इंग्लिश था तो सेमेस्टर 4 में इंग्लिश भी पढ़ना है। ये रहा आपका माइनर पेपर। तो माइनर पेपर देखिए 2 प्रकार से होगा हमारे पास, एक वोकेशनल आ जाएगा हमारे पास, एक आ जाएगा हमारे पास नॉर्मल सबसे। और इसका हमने तो अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो माइनर पेपर सिलेक्ट है वो थोड़ा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि माइनर पेपर जो रहेगा आपका वो एक बार अगर गलती होगा तो फिर आपको दिक्कत है। तो माइनर पेपर का सिलेक्शन अपने ही डिसिप्लिन से करना है, ये बात याद रखिएगा। और आपसे ही बच्चों जो माइनर पेपर होगा वो 1B वाला पढ़ना है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल रखते तो 1B वाला, वोकेशनल रखिएगा तो आपसे बच्चों 2B के नाम से जो सिलेबस हमारे पास, उस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि इतना कम समय है तो भाई आपसे बच्चों को कुछ कुछ कह सकते हो, यहाँ पर सिलेबस देख के पढ़ना पड़ेगा, सारे सारे टॉपिक आपको सर्च कर पढ़ने पड़ेंगे। तो माइनर पेपर यहाँ डाल दीजिएगा और ये तीनों पेपर दोबारा लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। इसके अलावा आपसे बच्चों को जो पेमेंट करने का नीचे रहता है कि डिक्लेयर कर दीजिएगा। बाकी आपसे बच्चों को आगे आना है और यहाँ नेम, पिताजी का नाम, फॉर्म नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, कॉलेज, पेमेंट यहाँ यहाँ कितना करना है, 650 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपसे बच्चों को जो कह सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करना है या रिव्यू करना है कि अगर हाँ कुछ गलत है कुछ सही चेक करना है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे बच्चों गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर लीजिएगा। और आपसे बच्चों इसके अलावा तो कोई काम नहीं है, ये कर लीजिएगा गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट के बाद। और यहाँ पर करने के बाद आपसे बच्चों गूगल पे, फोन पे, UPI ID है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या फिर ऑनलाइन जैसे ही पेमेंट करना चाहे आपको सारा सारा फैसिलिटी भी मिलेगा और आपका जो कैसे प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपसे बच्चों अगर इसका प्रिंटआउट निकालना है पूरा पूरी तो आपसे बच्चों उसके साइबर कैफे जाना पड़ेगा, लैपटॉप से ओपन करना पड़ेगा तो ही ओपन होगा, अदरवाइज आप इसको फॉर्म फिलअप नहीं कर पाइएगा, प्रिंटआउट नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आशा करूंगा कि आपसे बच्चों को पूरा वीडियो समझ में आ गया हो कि घर पर बैठे बैठे आप आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर करने कभी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद और जय भारत।